नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यानी सेल की। कंपनी बहुत टाइम से बहुत लोअर बैंड में ही ट्रेड, वोलेटाइल हो गई है कंपनी और लोअर सर्किट में ही अपना ट्रेड कर रही है। वोलेटिलिटी बढ़ी है इसमें, तो जिन लोगों ने निवेश किया था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उन लोगों के लिए काफी लॉस मेकिंग ट्रेड ये रहा है। अपर एंड पर अगर आप देखेंगे, 150 रुपए के हाई लगाया था, उसके बाद से लगातार कंपनी ने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई है और वॉल्यूम में भी लगातार गिरावट है। बट अभी आपके लिए अच्छी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं ट्रेड में, टारगेट्स में। एक तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, आईसीआईसीआई की रिपोर्ट आई है और साथ में डिविडेंड की भी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे। 25 मई को जो इनका एनुअल मीटिंग हुई थी, उसमें डिविडेंड के ऊपर भी घोषणा करने के ऊपर फैसला आया है, उसकी खबर क्या है उसकी चर्चा करेंगे। साथ में आईसीआईसीआई की रिपोर्ट की भी यहाँ पर बात होगी। बात करेंगे क्या टारगेट्स आपको लेकर के चलने हैं, अभी के लिए खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, और साथ में जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है उनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए इस स्टॉक को लेकर के, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि फंडामेंटल्स हमारे कहते हैं, क्योंकि कंपनी को देखें तो फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला, वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 15 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं इन द होल डे, और ग्रोथ की अगर आप बात करो 1.7% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर मिली है। वो वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, उसके बावजूद सॉरी अगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और वो मूवमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टर के लिए कोई फायदेमंद स्टॉक नहीं होने वाला है। तो देखिए ये लगातार एक जोन में फंस चुका है, और जोन में जब भी स्टॉक होता है तो वहां से ब्रेकआउट के लिए या तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है, तो बहुत बढ़िया न्यूज चाहिए होती है, और वो न्यूज मुझे लगता है कि इस क्वार्टरली आ सकती है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला 83 रुपीज के आसपास का आपका यहाँ पर ट्रेड बना है, 1.7% की ग्रोथ रेट है। कंपनी में कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका था पिछले दिनों, और यही कारण रहा कि स्टॉक आपका एक जोन में फंसता हुआ दिखाई दिया। अगर आप फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालेंगे तो ये 3-4 अगर क्वार्टर में आप देखेंगे तो लगातार उससे पहले के क्वार्टर से 31,000 करोड़ का एक इनका रेवेन्यू आया था, उसके बाद से क्वार्टरली जो इनके नंबर्स रहे हैं वो स्टैग्नेंट नहीं रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गए हैं। और वोलेटिलिटी जब भी नंबर्स में आती है तो वहां से गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है, उसका असर स्टॉक पर होता है। स्टील कंपनी है और हमारा एक्सपोर्ट काफी रहता है स्टील में, बट ईयू की तरफ से जब से एक ट्रेड लगाया गया हमारे ऊपर, ट्रेड बैरियर लगाया गया हमारे ऊपर, तब से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, और मेनली हम ईयू यानी यूरोप में ही अपना, यूरोपियन यूनियन में ही अपना जो एक्सपोर्ट मेनली करते थे, बट उसके बाद से थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो मार्जिन में भी खासा एक वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 2% का भी मार्जिन हमने देखा है, 10% के आसपास मार्जिन इंप्रूव हुआ है। जैसे मैंने बोला इंप्रूवमेंट यहाँ पर साफ तौर पर है कंपनी में, और यही कारण है मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। FIIs की बात करें, कंपनी की बात करें, कंपनी के तौर पर अगर आप देखेंगे FIIs ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, स्लाइट इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 4.34% से बढ़ा करके 4.69% कर दिया था। और म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, म्यूचुअल फंड ने भी अपने शेयर होल्डिंग को स्लाइटली चेंज किया था, 0.08%, जो कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। अच्छी खबर कहां पर है भैया? अच्छी खबर है कि देखिए दोनों चीजें, पहले तो ग्रीन में है, दूसरा अच्छी खबर यह है कि 25 मई की इनकी मीटिंग हुई जिसमें फाइनल डिविडेंड फाइनलाइज किया गया है, वो जो कि आपको 2-4 दिनों में पता लग ही जाएगा। साथ में इस फाइनल मीटिंग के बाद, बोर्ड मीटिंग के बाद, दो बड़ी फर्म्स ने, दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी अपनी तरफ से टारगेट्स दिए हैं। एक तो एक्सिस डायरेक्ट ने 93 का टारगेट दिया है, और दूसरा 28 मई को टारगेट आया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, जिन्होंने 92 का टारगेट दिया है। दोनों ही टारगेट मुझे लगता है कि काफी बड़े हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी स्टॉक जो है आपका वो एक जो के भी टारगेट्स आपको शो में अच्छी न्यूज कम से कम आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहाँ पर करनी है खरीदारी, करनी है या नहीं, ये खरीदारी करने के लिए मैं आपको इस समय नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक आपका एक जोन में है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे इस समय देखने को नहीं मिलता है। 80 रुपीज के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ है, टारगेट के तौर पर जैसे मैंने दिखाया 90-95 रुपीज के आसपास का अपना टारगेट यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं इस समय इससे नहीं कर रहा हूँ, जब तक कि क्वार्टरली नंबर बहुत अच्छे ना आ जाए। क्वार्टरली नंबर का वेट कीजिए, उसके बाद आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनके लिए डिविडेंड का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, डिविडेंड देखिए कितना आता है, 2-4 दिनों में अनाउंसमेंट होगी तो हम नई वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी आपका न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है, कोई बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलती है। आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो एक न्यूट्रल जोन 49 के करीब में आपका आरएसआई बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। चार्ट पैटर्न आपका न्यूट्रल है इस समय पर, फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और अगर ये क्वार्टरली नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक आपका एक जोन ब्रेकआउट दे सकता है। बने रहिए स्टॉक में, होल्ड कीजिए, 95 का टारगेट रहेगा, डिविडेंड का वेट करना है आपको,
फ्रेश बाइंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर स्टैप की स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।